दोस्तों आपका स्वागत है इंडियन इंडस्ट्री ट्यूटोरियल में। दोस्तों हम फिर से हाजिर हो गए बहुत सारे वॉकिंग टू बहुत सारे रिक्रूटमेंट देखे। दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ECIL में जो है वैकेंसीज है। यहाँ पे आप देखोगे तो अप्रेंटिस के लिए वैकेंसी है और वो वैकेंसी ITI ट्रेड अप्रेंटिस के लिए वैकेंसी है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए 162 वैकेंसी, इलेक्ट्रीशियन के लिए 70, फिटर के लिए 70, मैकेनिक R&AC के लिए 17, टर्नर के लिए 17, मशीनिस्ट के लिए 17, नेक्स्ट दोस्तों ग्रांडर वाले के लिए जो है 13, COPA के लिए 45, वेल्डर के लिए 22, पेंटर के लिए दोस्तों 4 वैकेंसी हैं। इस तरीके से 437 वैकेंसी हैं, 437 अच्छी खासी वैकेंसी हैं। यहाँ पे आप देखोगे दोस्तों तो इस क्राइटेरिया बताया गया है कि 18 ईयर से लेके और 25 ईयर रहेगा जो दोस्तों जनरल कैंडिडेट के लिए रहेगा। फॉर OBC 28, SC ST के लिए दोस्तों 30 एज लिमिट रहेगा। बाकी PWD कैटेगरी के लिए 10 ईयर का जो है छूट दिया जाएगा। ट्रेनिंग पीरियड 1 ईयर का रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि IT चाहिए और NCVT सर्टिफिकेट। और सिलेक्शन का तरीका तो आपको ऑलरेडी पता है कि ज़्यादातर जो रहता है अगर अप्रेंटिस के लिए तो उसके मार्क्स ITI के मार्क्स के बेस पे आपको जो है सिलेक्शन होता है। इधर तो किस तरीके से वहाँ पे मार्क्स काउंट होंगे वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर जो है समझाई गई हैं। डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा, लोकेशन क्या रहेगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बता दिया गया है। जनरल कंडीशंस आपको बताई गई हैं जिन्हें आपको फॉलो करते हुए इस एप्लीकेशन को जो है सबमिट करना है। एप्लीकेशन कैसे सबमिट करना है वो आपको बताया गया है, ठीक है। इस तरीके से देखो यहाँ पूरा बताया गया है, कैरियर में जाना है, ये करना है, वो करना है। इस एप्लीकेशन को आप 29/9/2024 midnight 23:59 तक जो है सबमिट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे पूरी डेट, सारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सब कुछ यहाँ पर जो बताया गया है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन की ओर। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च में जो है वैकेंसी है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन जो है 14/9/2024 से 13/10/2024 तक जो है सबमिट कर सकते हो। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि फिटर के लिए 46 वैकेंसी, तो ITI मांगा गया है यहाँ पे। टर्नर के लिए 7, मशीनिस्ट के लिए 10, जहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट इलेक्ट्रीशियन के लिए 22, मैकेनिकल मैकेनिक टूल मेंटेनेंस के लिए 1, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए 15, और नेक्स्ट दोस्तों इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए 18, ड्राफ्ट एंड मैकेनिकल के लिए 12, मैकेनिकल जो है AC के लिए दोस्तों और रेफ्रिजरेशन के लिए 9, प्रोसेस प्लांट ऑपरेटर के लिए 12, और कारपेंटर के लिए 4, और नेक्स्ट सिविल के लिए दोस्तों 4, प्लम्बर के लिए 2, वेल्डर के लिए 14, हॉर्टिकल्चर असिस्टेंट के लिए 3, PASAA प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम 19। इस तरीके से 198 वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पर देखो देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ITI चाहिए। यहाँ पर स्टाइपेंड जो रहेगा 8050 रहेगा, 2 ईयर ITI चाहिए। यहाँ पे जो है ड्यूरेशन रहेगा 2 ईयर और 2 ईयर वालों के लिए, और 1 ईयर ड्यूरेशन ITI वालों के लिए 7,700 रुपये जैसा रहेगा। पूरा बता दिया गया, सारी चीज़ें यहाँ बताई गई हैं। प्लेस ऑफ ट्रेनिंग कहाँ रहेगी, तो वो तमिलनाडु रहेगी, 1 ईयर का रहेगा। एज लिमिट यहाँ बताया गया 18 से 24 ईयर रहेगा, जो 13/10/2024 के हिसाब से काउंट किया जाएगा, और जो भी उसकी गवर्नमेंट की गाइडलाइन है सेंट्रल गवर्नमेंट की उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे SC ST OBC के लिए छूट मिलेगा, ठीक है, वो आप पढ़ लेना। यहाँ पे पूरा स्टाइपेंड ऑलरेडी बता दिया, सारी जानकारी दी गई। सिलेक्शन का तरीका क्या है वो मेन जो है, तो वो मार्क्स है वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो सारी चीज़ें बताई गई हैं, जनरल इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, और यहाँ पे अप्लाई कैसे करना, IGCAR.gov.in पे जाना है। अपॉर्चुनिटी रिक्रूटमेंट वहाँ पे आप दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग आप दो है इस एप्लीकेशन को जो है जनरल इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हुए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर पूरा बताया गया कैसे कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। 13/10/2024 तक आप अप्लाई कर सकते हो। क्या क्या कितने कितने KV में डॉक्यूमेंट रखने और जब जाके अप्लाई करना है वो सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। फिर भी आप कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हो कभी भी।
नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में, जिसका एप्लीकेशन 18/9/2024 से 9/10/2024 तक जो है एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो। प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए वैकेंसी जहाँ पे एज क्राइटेरिया 1/9/2024 के हिसाब से काउंट किया जाएगा 32। यहाँ पे दोस्तों बताया गया है कि 8 जो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए वैकेंसी है उसमें अनरिजर्व में 4, ओबीसी के लिए 2, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, ईएससी के लिए 1 है। यहाँ पे मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो 1/9/2024 के हिसाब से काउंट किया जाएगा 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, मुंबई और लोकेशन हो सकती है। और ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको देखने को मिलेगा टर्म्स कंडीशन दी गई हैं, और यहाँ पे आपको पे भी बता दिया कि क्या क्या बेनिफिट्स रहेंगे, पे क्या रहेगा। तो आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, ये सारी चीज़ें, फर्स्ट ईयर के लिए 40,000, सेकंड ईयर के लिए 45,000, थर्ड ईयर के लिए 50 और फोर्थ ईयर के लिए 55,000 रुपये पर मंथ यहाँ पर जो है आपका वेतन रहेगा। ठीक है, ये आप अच्छे से पढ़ लेना है। बोनस क्या रहेगा प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए, बहुत सारी जानकारी दी गई है, उन्हें आपको अच्छे से पढ़ देना है। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिला प्रोजेक्ट इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 4 ईयर बीटेक चाहिए। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक टेली कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन चलेगा। यहाँ पे कुछ नोट दिए गए जिन्हें आपको AICTE से अप्रूव होना चाहिए, इंडियन होने चाहिए, सारी जानकारी दी गई जिन्हें आपको अच्छे से पढ़ लेना है। क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑलरेडी बता चुका हूँ, 2 ईयर का होना चाहिए, तो यहाँ पे वही चीज़ दी गई है, कैसा होना चाहिए, किस फील्ड से होना चाहिए, वो डिटेल में दिया गया है यहाँ पे। तो इस एप्लीकेशन को आप BEL-India.in पर जाके जो है सबमिट कर सकते हो। एप्लीकेशन सिलेक्शन का तरीका क्या है, तो वो चीज़ यहाँ पे आपको दी गई है कि भैया तरीका जो है इंटरव्यू है, इंटरव्यू के बेस पे यहाँ पर जो है आपका जो है मतलब रिटन टेस्ट होगा और उसके बाद इंटरव्यू होगा, उस बेस पे आपको जो है सिलेक्शन होगा आपका। तो रिटन टेस्ट आप क्वालिफाई करोगे देन इंटरव्यू होगा। तो आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस एप्लीकेशन को जो है सबमिट कर सकते हो। अच्छे से डिटेल में नोटिफिकेशन को पढ़ के करो लेकिन, जिससे दिक्कत ना हो। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन की ओर। नेक्स्ट वैकेंसी जो है रेलवे में निकली हुई है, जिस एप्लीकेशन को आप 16/9/2024 से 15/10/2024 तक भर सकते हो। ITR के लिए सारी की सारी वैकेंसीज हैं, एज क्राइटेरिया पर दिया गया 15/24, जो 15/10/2024 के हिसाब से काउंट किया जाएगा, क्लोजिंग डेट भी यही है। और यहाँ पे सारे क्राइटेरिया बताए गए। फाइनली यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ITI ब्रांच चाहिए, मतलब ITI के साथ क्या क्या चाहिए, ITI सर्टिफिकेट, NCVT से चाहिए, SVT से चलेगा, और यहाँ पर 10+2 50% होना चाहिए क्राइटेरिया, वो आपको फुलफिल करना है। देन यहाँ पर बहुत सारी ब्रांच, फिटर, वेल्डर, ये बहुत सारी ब्रांच आप सामने देख रहे हो, कारपेंटर, इस तरीके से यहाँ पर अलग अलग वैकेंसी बताए गए, नंबर ऑफ क्या क्या है, क्या कौन कौन सी ब्रांचेज हैं, बहुत सारी ब्रांचेज बताई गई हैं, टोटल 22 ब्रांच हैं जहाँ पर 22 ब्रांच के लिए वैकेंसी निकली हुई है। तो इस एप्लीकेशन को अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर भर सकते हैं। क्या क्या क्राइटेरियाज हैं, फ़ी क्या लगेगी, 100 रुपये जैसा फ़ी लगेगा, और RRCPRBY.org पे आपको जो है जो एप्लीकेशन सबमिट करना है। कुछ स्टैंडर्ड दिए गए हैं, बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं जिन्हें आपको पढ़ना है, देन एप्लीकेशन को सबमिट करना है। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, तो मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पे आपको जो है बताया गया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है, रिटन कोई रिटन टेस्ट, तो यहाँ पे भी वही चीज़ है कि परसेंटेज आपका मेन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप डिटेल में से क्या ट्रेनिंग का पीरियड रहेगा, 1 ईयर रहेगा, मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, वो चीज़ आपको यहाँ पे बता दी गई है। ठीक है, अच्छे से पढ़ लो क्या क्या वेरिफिकेशन होगा, कौन से मार्क्स जुड़ेंगे, कौन सा बेस पे होगा, इसे पढ़ लो। तो ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन की ओर।